तो भाई नेशनल हाईवे का जो है ना टूल प्लाजा आ गया घंटा येरी और सारी आई हुई है माशाल्लाह। भाई क्या पापा पापा कहाँ रह गए? पापा मैं पापा बहुत पीछे स्लो स्लो चला रहे हैं गाड़ी। ये फार्मोस है, बाकी सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई है समझो, सारी है ऑल्टो अपनी सुजुकी सिफारी फिर ऑल्टो फिर हाईजेक फिर ऑल्टो फिर सियांटा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आपका भाई आएगा जी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज जो है ना सीन ऐसा, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो बस अभी जो है ना निकलना है हमने पिकनिक के लिए और फार्म हाउस के लिए निकलना है। तो उससे पहले जो है ना मैंने सियांटा निकाल ली थी और अभी जो है मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के घर पे, वहाँ से जो है ना स्पीकर लाना है। तो बस गाड़ी तो मैंने निकाल ली है, बस जा रहा था मैं, तो मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लो और रास्ते से भी बहुत सामान भी लेना है बहुत ज़्यादा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पूरी पूरी फैमिली जा रही है, मतलब पूरा ख़ानदान जा रहा है, आधे से ज़्यादा ख़ानदान हमारा जा रहा है, जितना भी ताया के बेटे सब जा रहे हैं। अच्छा तो भाई स्पीकर तो जो है ना मैंने ले लिया है और अभी जो है ना सीन ऐसा है कि हमें और भी बहुत सारा सामान लेना है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पानी की बोटल्स, और जैसे हमने वहाँ जो है ना रात में बारबेक्यू का सीन रखा है तो उसका बारबेक्यू का सारा सेटअप रखना है। खैर अब बस चलते और सब वैसे तो आधे से ज़्यादा लोग रेडी हो चुके हैं, बस ये हमने ये है कि बारबेक्यू का सेटअप रखना है, फिर हम भी रेडी होंगे और फिर जो है निकलने वाली करेंगे बस। तो बस अभी घर चलते हैं फटाफट। तो भाई मैं दोबारा निकल रहा हूँ। अच्छा निकल कहाँ रहा हूँ, मैंने जो है ना अभी लेनी है कोल्ड ड्रिंक और अल्लाह आपका भला करे, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि मैंने अपनी वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है ख़ास तौर पे, तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सामान लेना है, जैसे कि केक लेना है। तो बस अभी चलते हैं, वाला सामान भी इकट्ठा करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं। सीन ऐसा है कि मैं जो है ना गाड़ी पे बस पानी लगवाने ले आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और मैंने जो है ना कल ही धोई थी और कल मैंने धो के खड़ी करी थी, क्योंकि मैंने बोला यार हम लोग फार्म हाउस जाएंगे ना तो ये कि व्लॉग बनाऊंगा ताकि गाड़ी थोड़ी सी अच्छी नज़र आए, और वैसे भी मैं गाड़ी साफ़ रखता हूँ। लेकिन क्या हुआ, कल जो है ना भाई वाइल्ड वेंचर चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, अरसलान भाई सदीक भाई उमर भाई, ये लोग जो है ना वाइल्ड वेंचर चले गए थे ऐसे ही घूमने, तो इस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अंदर से तो साफ़ है जैसे मैंने दी थी वैसी है, लेकिन बाहर से थोड़ी गंदी हो रही है, तो मैंने पहले वॉश करवा लूँ ताकि थोड़ी सी और खूबसूरत सी लगे। तो भाई सीन ऐसा है, मैंने बस जो है ना पानी लगवा लिया गाड़ी पे क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो भाई आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने शारिफ के पास और कोल्ड ड्रिंक रखते हैं गाड़ी में। तो भाई दो ले ली है पानी की बोतल और पांच जो है ना शारिफ भाई की दुकान से लिए हैं रेड इसके कोल्ड ड्रिंक के। भाई सारे आइटम रख लिए हैं, अब पेमेंट करते हैं इनको। आ जाओ भाई शारिफ। बोले यार ठीक है भाई जान, जजाक अल्लाह। ठीक है भाई शारिफ भाई निकल रहे हैं, आ जाओ तुम भी यार। चलो भाई गाड़ी में बैठते हैं। तो बस भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं मिल जाए कोई टाइट चीज़ तो मज़ा आ जाएगा। ले लिया है थोड़ा बहुत ये आइटम यार, कहीं पे भी जो जैसे चाहिए डेकोरेशन का सामान जैसा मिल ही नहीं रहा घर, ये भी भाई बड़ी मुश्किलों से मिला है। इससे पहले मैं एक और बेकरी पे गया था वहाँ भी नहीं मिला, तो मैंने लगा यार अब यही ले लो और बस अब निकलने वाली करो क्योंकि पापा जो है ना बहुत गुस्से पे आ जाएंगे, इसलिए मैंने ला ये ले लो बस। अब ये ले लिया अब बस घर चलते हैं, जो आइटम ले गया वो तो फिर बाइक पे जाकर भी ले आऊँगा मैं। तो भाइयों तैयारियां चल रही हैं। तो भाई मैं जो है ना रेडी हो चुका हूँ और अब जो है ना मैंने निकाली है सुजुकी ताजान वाली। और अच्छा अब जो है ना सीन ऐसा है कि मैंने जाना है बारबेक्यू वाले को लेना है क्योंकि बारबेक्यू का पूरा सेटअप है हमारा माशाल्लाह से, तो उसको लेना है और उसमें सुजुकी भी लेके जाएंगे ना, तो उसको चलते हैं उसको लेते हैं। और पानी वानी का क्या सीन है वो भी देखना है, पानी भी लेना है, अभी कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। उड़ाओ नीचे से उड़ाओ। चाय के गिलासों की मत मारते हैं यार, दो जग और 10 गिलास दे देना, बाकी प्लेटें दो 50 प्लेटें 50 चम्मच बहुत है। हाँ दो जग डाल दे, 6 गिलास डाल दे। तो भाई सारा सामान ले आया हूँ मैं, प्लेटें व्लेटें चम्मच गिलास
टंकी पानी की हर चीज़, चूल्हा चम्मच वगैरह सब कुछ लिया है। बस अब जो है ना इसमें जो है ना मैं जो सियांटा में जो मेरी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है ना वो उसमें रखता हूँ, और ये स्पीकर भी उसमें रखता हूँ, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी इसमें रखता हूँ, तो बस फटाफट रखता हूँ। तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और सब रेडी है, क्योंकि मैं सारा सामान रख लिया है। बाकी ये हमारी पॉप्सिकल्स आ गई और दो गाड़ियाँ हो रही, सफारी और हाईजेट। मैं जो है सियांटा चलाऊँगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हैं सारी गाड़ियाँ, ये जा रही, ये सुजुकी आ गई, सफारी, ऑल्टो, बाकी हाईजेक भी पीछे है, पीछे ही मेरे साथ ही खड़ी हुई है, और मेरे साथ जो शाम भाई है और मेरी अपनी फैमिली है, और बाकी जो है ना सब उसमें इन गाड़ियों में, जैसे इसमें ताया जान की फैमिली है अबीब बाबा की, उसमें दूसरे ताया जान की फैमिली है, और बाकी एक में सारा सामान पड़ा हुआ है, बाकी पापा और हैं, पापा और के साथ खुरम भाई हैं और अबीब बाबा हैं, ये लोग हैं। तो भाई अभी जो है ना हम लोग डलवा रहे हैं सियांटा में पेट्रोल, बाकी इन तीनों गाड़ियों में डलवा लिया, पूरी सफारी, एरी आल्टो और एरी हाईजेक, मतलब सियांटा में डलवाना है। तो भाई सारी गाड़ियाँ ये खड़ी हुई सारी, बस एक पापा वाली आल्टो नहीं है, बाकी सब आई हुई है इधर, ये बस पापा आ रहे हैं, बाकी सियांटा येरी और सारी आई हुई है माशाल्लाह। बाकी अब पापा, पापा कहाँ रहे भाई? सुल्तान को उसको लेना है, सुल्तान को यार। पापा, मैं पापा बहुत पीछे स्लो स्लो चला रहे हैं गाड़ी, है ना। तो भाई हाईवे पे चढ़ चुके हैं, तो भाई नेशनल हाईवे का जो है ना टूल प्लाजा आ गया, टूल आ गया। अब भाई ये क्लियर करते हैं, वैसे हम सब साथ साथ हैं, सारे पीछे पीछे हैं हमारे सारे, क्योंकि हम लोग ये आदत है अगर हम कहीं जाते हैं तो एक साथ साथ रहते हैं, अगर पूरे सारे एक साथ जाते हैं तो। भाई भी थोड़ा सा और रुकते हैं टूल के पास, क्योंकि सब आ जाएंगे ना, फिर हम लोग जो है सबके साथ साथ निकलेंगे, क्योंकि आगे आपको पता है रास्ता बड़ा हाई फाई स्टार्ट हो गया है। भाई फार्म हाउस आ चुका है, ये फार्म हाउस है, बाकी सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई है, समझो सारी है, ऑल्टो अपनी सुजुकी, सफारी, फिर ऑल्टो, फिर हाईजेक, फिर ऑल्टो, फिर सियांटा, बस अब इन करते हैं अंदर और अपने जो फार्म हाउस है उसमें पहुँचते हैं फटाफट। चलो आ जाओ यार, क्या हुआ भाई, चले छोड़ दिया ना भाई। ये फार्म है अभी बंद पड़ा हुआ, लाइटें वाइटें खुलवा रहे हैं अभी, बाकी ये कि हम पहुँच चुके हैं, सारी गाड़ियाँ इन हो रही हैं एक एक करके। भाई ये है बिरयानी, बाकी ये है हमारा फार्म हाउस, बाकी यहाँ जो है ना पूरी फैमिलियाँ खाना खा रही हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेडीज़ हैं, यहाँ पर सारे जेंट्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े सब हैं, बाकी हम भी अब जो है खाना खाते हैं और फिर पानी के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। तो भाई अब जो है ना यहाँ पर लग चुका है क्रिकेट, मैं हूँ फैसल भाई की टीम में, पकड़ो बॉल पकड़ो, मैं हूँ फैसल भाई की टीम में, मैं खुरम भाई, सुमेर और हम चार हैं बस, और उधर भी जा रहे हैं शाम भाई, अदर भाई, सनी भाई, सारे आउट आउट हो गए। विदर भाई भाई अवेश भाई आ गए हैं, देखना राइट ही हो लेफ्ट ही हो, राइट ही यार, सनी भाई की बोल तो फिर बोल है। खेलना ही नहीं आता यार मुझे, खेली मरता हुआ खेलने ये ले, तेरा तेरा एक और छक्का, बहुत है बहुत है, बस एक और छक्का। अबे यार आउट हो गया यार अदर भाई, आराम रहता है भाई, आराम रहता है, आराम रन दे दे यार। चलो भाग 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 भाई, फैसल भाई कितने हो गए हमारे हैं 34 तीन ओवर में। अबे इसका तो छक्का लेता भी तू, इतना टाइट छक्का मारा किसने, सुमेर ने, सुमेर ने, सुमेर ने छक्का मारा, अब आराम मारेगा, आराम छक्का हो जाए, छक्का हो जाए। अरे अभी बाबा आपसे कैच नहीं पकड़ा गया यार,
अच्छा भतीजा समझ के छोड़ दिया अबे नहा भी गया तू हाँ पानी में जा रहा हूँ मैं चले जा पहले मुझे ले इस तरीके से क्या बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ इसका एकदम से नीचे लेके छलांग मारना सही है गर्दन के ऊपर ना यहाँ पे कैसे बोल रही हो वैसे ही मारूंगा नहीं ऐसे नहीं मारना फिर ऐसे आराम से आ जाओ देख लो चलो 1 2 3 चलो 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 भाई मजा आ गया हाँ भाई गिरा है हाँ ये बच्चों की बॉल लो सही है खुश हो गए तो भाई सीन ऐसा है कि मैं जो है ना अभी नहा के निकला हूँ दोबारा हम लोग नहाने घुस गए थे सारे अभी भी देखो सब नहा रहे हैं अच्छा अभी जो है ना मामा बोल रही है यार अपनी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो और मेरी जो है ना आज प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो चलो आओ ना यार मम्मा अभी बाबा आ जाओ यार आ जाओ यार अम्मी प्रोग्राम की खैर है क्या हुआ फ्रिज के अलावा भी मम्मा गाड़ी में खराब हुआ है छुरा बाबा छुरी से छुरी छुरी बाबा चम्मच से काटने हैं छुरी से आनी ने मना करा आपकी वाइफ ने मना करा है छुरी से नहीं काटना चाहिए भाई सीन ऐसा है कि पानी से निकल रहा बाहर लेकिन जो है ना चाय बन रही है भाई चाय रेडी हो गई मीठी वाली कब भर दिया आपने सब उठा लो ढकना पूरा ऐसे बस सही है उठा लेते हैं भाई चाय तो एक मिनट में खत्म हो गई भाई और चाय दे दो यार तकरीबन है 10 लोग हो रहे 10-15 बिलू पानी है पूरा अब जो है ना रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और स्टार्ट हो चुका है हमारा टिक्का बाकी जो है ना ये कोयले जला लिए उस्ताद ने बाकी ये टिक्का भर रहे हैं सीखो मैं और भाई ये लगना शुरू होंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में बाकी भाई जो है पराठों की तैयारी कर रहा है हमारा तो बस अब जो है ना लूडो वूडो थक गया इतना नहाए सबसे ज़्यादा मैं नहाया हूँ अभी पापा से पूछते हैं पापा सबसे ज़्यादा कौन नहा है मेकअप नहाया हूँ आप नहाए हो सबसे ज्यादा तू ही सबसे ज्यादा आप ना और कोई नहीं नहाया सबसे ज्यादा आपने नहाया तो भाई दबा के लूडो खेला है अभी हमने दबा के जिसे कहते हैं ना वैसे लूडो खेला और अब जाके थक गए हम अब जा रहे हैं हम पूल में और अब बस पूल की तैयारी है सारे पूल में अब हम भी पूल में चलते हैं भाई अब जो है ना निकलने की तैयारी है मतलब सब निमट रहा है और नाश्ता भी कर लिया नाश्ता रह गया टिक्का विक्का हमने खा लिया अब नाश्ता करना है और फिर जो है ना हमने निकलना है हाल में क्योंकि जो है ना थक गए सारे के सारे थके हुए सब थके हुए तो अब निकलने की करेंगे थोड़ी देर में बस थोड़ा सा वेट और करते हैं और फिर निकलते ही करते भाई नाश्ता रेडी हो गया क्या हाँ बिल्कुल ओके की रूम चलो नाश्ता जो है ना वो रेडी हो चुका है नाश्ते में है क्या अब नाश्ता रेडी हो गया परांठे कौन से खा रहे हो आप रोटी खा रहे हो परांठे पराठे अच्छा ये वही बेहतरीन हो गया अच्छा ताज़े बनाए अभी बिल्कुल फ्रेश अच्छा जी चलो यार नाश्ता करते हैं और फिर जो है ना उसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए सब के सब भाई गाड़ियाँ जो है ना निकल रही हैं तो मैं भी अपनी गाड़ी घुमा लेता हूँ भाई गाड़ियाँ निकल रही हैं सारी तीन तो निकल गई अब भाई ये दो रह गई और अब ये भी निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बस अब निकलते हैं और साथ साथ जाएंगे सारे तो बस साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह और पहुंचते हैं घर पे
पहले हम लोग पहुँचे हैं, सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ, और अभी ये लोग तो पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले पहुँच चुका हूँ। और अभी बस पापा और का इंतज़ार हो रहा है ताकि वो गेट का लॉक खोले और हम लोग तो अंदर जाएँ। अभी सब गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, जब पे सियांटे अभी खड़ी करनी है। बाकी गंदी बहुत हो गई है, ये कि चलो मैं इसको धो लूँगा, मसला नहीं है। बाकी सब अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। वैसे वो सब साथ हैं, बस मैंने भगाई है गाड़ी सबसे ज़्यादा। वो तो सब स्लो स्लो एक एक साथ आ रहे थे, अब मैं सबसे आगे था, मैं और फहीम भाई। लेकिन फहीम भाई भी उन्हीं के साथ मिल गए थे, स्लो स्लो आने लग गए थे एंड में, लेकिन मैंने खींच के रखी, मैं फटाफट पहुंच गया घर पर। बस अब जो है ना थोड़ा सा और वेट करते हैं उनका और फिर घर में जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी खड़ी करता हूँ और फिर आज जुम्मा भी है तो बस सोते हैं, फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए भी उठना है एंड देन फिर उसके बाद जो है ना इसको जुम्मे के बाद मैं धोऊंगा पूरी गाड़ी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। भाई सियांटा भी अपने गैराज पर खड़ी कर दी है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो इसको भी वॉश करेंगे। बस अभी घर चलते हैं। तो भाई मैं जो है ना घर आ गया था, उसके बाद आते ही मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर फटाफट मैं सोकर उठा क्योंकि मैंने ज़्यादा लंबी नींद नहीं लेनी थी, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी थी और भी बहुत सारे दूसरे काम थे। पहले जो है ना मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, फिर फटाफट से एडिटिंग पे बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है और बस ये जो है ना मैंने ब्लॉग एंड करना मैं भूल गया था, तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, भाई बहनों में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।